थैंक यू नेपाल, थैंक यू हमारी फिल्म को इतना आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान भी दिया, तो थैंक यू सो मच। सहज बनाई दिएको छ, सो उहाँ यहाँसम्म आउनु भएको छ भने हामी पनि उताको लागि एउटा चाहिँ एउटा माहौल बनेको छ। रस दीर्घले सिनेमा मात्र होइन एउटा इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा दुईटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा बनाइदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। आई एम प्राउड टु बी नेपाली एक्टर, क्योंकि हम मैं भी पहाड़ी हूँ, नेपाल भी पहाड़ है पूरा, तो एक हमारे DNA मिला हुआ है, थोड़ी बहुत मेरी शक्ल आप लोगों जैसी मिलती भी है। दर्शकले हेर्दाखेरि महामन्तको क्यारेक्टर चाहिँ दिमागमै छ के, उहाँको डबदेखि लिएर सबै चिज टक्क मिलेको छ होइन, त्यो त्यो मान्छेलाई त्यो दिमागमै आउँदैन कि, अनि महामन्त नै सायद उहाँ महामन्तको क्यारेक्टरमा नभएको भए अरू सायद अप्सनमा कोही पनि हुँदैन थियो होला। एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा धेरै बाहिर बाहिरको मान्छेहरूसँग काम गर्नु पाएँ नि त, त्यही भएर यो मेरो लागि पनि एकदम एक्सपिरियन्स गेन गर्नको लागि एकदम ठुलो अवसर थियो, र यसको लागि म नेताजीसँग सबै नै कृतज्ञ रहनेछु। पोजिटिभ भाइब्रेसन हो, हाम्रो भाइब्रेसन म्याच गर्यो, पोजिटिभ भयो सबै कुराहरू, इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ भयो, त्यो पोजिटिभ गर्नलाई आउने म्याटरहरू धेरै थियो होला। म यहाँ उहाँलाई पनि हेराउँछु है, सबैभन्दा पहिला सबैलाई प्रश्न गराउँछु, उहाँ चाहिँ सरको वाइफ, सी इज अल्सो एक्ट्रेस, कल्याणी म्याम। बीचमा इतनी खुबसूरत लडकियाँ हैं, आप थोड़ा पीछे हटो, इतनी खुबसूरत लडकियाँ हैं, इतनी खुबसूरत लडकियाँ हैं तो अपनापन और प्यार तो आ ही जाता है। अभी इसको ले जाके समोसे वमोसे खिलाते हैं तब इसकी आवाज आएगी। अरे ये जो है ये मेरी वाइफ है, तो इनका इन्होंने जब तारीफ सुनी हमारी फिल्म की, ये इनकी दोस्त भी है। अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, जब होएगा तो इंडियंस लोग भी देखेंगे, और आई एम श्योर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिक्चर देखने के लिए। आई किडनैप्ड हर 18 इयर्स अगो व्हेन शी वाज 25 एंड आई विल नॉट टेल यू माय एज। First part, but it's a very warm welcome to Nepal. Thank you so much. I'd like to ask you about the experience. How was the experience? Sunai nahi de raha. वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे अब पक्का भरोसा हो गया है कि जो आप लोगों ने हमारी फिल्म की तारीफ की है वो जब मैं वाकई थिएटर में आके देख रहा हूँ तो मुझे आप, क्योंकि प्रेस वाले हैं ना, कभी तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना देते हैं, तो यहाँ बिल्कुल उन्होंने जायज़ काम किया है। हमारी फिल्म पशुपतिनाथ महाराज की मेहरबानी से, भगवान की मेहरबानी से, और इनकी कठोर परिश्रम और त्याग, और पता नहीं बेचारों ने क्या क्या, पहली फिल्म है ना तो सब कुछ दाव पे लगा दिया दोनों ने, तो उसको पशुपतिनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है और फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहुत 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 खुश हूँ, और आपके आपके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे अधिकतर लोग जवान कौम है, तो अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको, ये पूरी पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, इसमें कुछ भी झमेला नहीं है, जो झमेला आजकल बहुत दिखते हैं ना वैसा कुछ नहीं है। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को लेके आइए और ये फिल्म उनको दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार फिल्म बनी है और आप सबको पसंद आ रही है, इसीलिए शानदार है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू नेपाल हमारी फिल्म को इतना आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान भी दिया, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं भी पहाड़ी हूँ, नेपाल भी पहाड़ है पूरा, तो एक हमारे DNA मिला हुआ है, थोड़ी बहुत मेरी शक्ल आप लोगों जैसी मिलती भी है। मुझे इस बात का फख्र है, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि आपने मुझे नेपाल का एक्टर बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक्टर के लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो अच्छा काम करते हैं पर वो ऐसा वेस्ट हो जाता है, फिल्म अच्छी, किसी एक्टर ने अच्छा काम कर फिल्म चली नहीं तो वो लोग देखते ही नहीं तो पता ही नहीं चलता है। हमारी फिल्म में क्या हुआ है कि बताया ना, पशुपतिनाथ महाराज की मेहरबानी से सबने अच्छा काम किया है, नीता जी ने गजब का काम किया है, भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये हमारे दूसरे एक्टर है इन्होंने अच्छा काम किया है, जनीता की छोटी बहन का रोल इन्होंने किया है, ये शानदार काम, कोई चढ़ाया गया क्या, किसी की तारीफ बाकी, ये नीता की मम्मी मारेगी मेरे को।
हाँ हरी की मम्मी, सॉरी हरी की मम्मी मारेगी, वैसे ही झगड़ा करने आ गई थी फिल्म में। हाँ ये नीता की मम्मी, ये नीता की मम्मी मारेगी। नहीं मेरे दोस्त है पापा, ये तो मेरे साथी मामा। अरे ये जो है ये मेरी वाइफ है, तो इनका इन्होंने जब तारीफ सुनी हमारी फिल्म की, ये इनकी दोस्त भी है, तो इन्होंने कहा इनको जरूर लेके आइए, तो अब इन्होंने भी कहा उन्होंने भी कहा तो लाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच है सब जना आई दिनु भएको छ। बोलाउनलाई गाह्रो भन्दाखेरि पनि आर्टिस्ट हुनुहुन्छ हैन, आफ्नो बिजी शेड्युल लाई चाहिँ हाम्रो लागि रसो दीर्घको लागि नेपाल आउँछु भनेर डाइरेक्ट नेपाली अडियन्सहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छु भनेर टाइम छुट्याउनु नै र खुसी भएर प्रफुल्ल भएर परिवारसँग आउनु नै त्यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। गाह्रो भएन, उहाँ आफै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो कि यो फिल्म अझै म पुरै बसेर हेर्छु भनिराख्नु भएको छ, एकदमै प्राउड एकदमै खुसी हुनुभयो, खुसी भइराख्नु भएको छ मैले नेपाली फिल्म गरेको छु भनेर, र त्यही किसिमको यहाँ अडियन्सहरूले पनि रेस्पोन्स त्यही किसिमको दिइराख्नु भएको छ नि त, जस्तो कि दर्शकले हेर्दाखेरि महामन्तको क्यारेक्टर चाहिँ दिमागमै छ क्या, उहाँको डबदेखि लिएर सबै चिज टक्क मिलेको छ होइन, त्यो त्यो मान्छेलाई त्यो दिमागमै आउँदैन कि, अनि महामन्त नै सायद उहाँ महामन्तको क्यारेक्टरमा नभएको भए अरू सायद अप्सनमा कोही पनि हुँदैन थियो होला, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सजिलो रूपले आइदिनु भयो अहिले। थ्याङ्क यू सर, अहिले थ्याङ्क यू सर। म यहाँ उहाँलाई पनि हेराउँछु है, सबैभन्दा पहिला सबैलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु, उहाँ चाहिँ सरको वाइफ, सी इज अल्सो एक्ट्रेस कल्याणी म्याम। एक्सपिरियन्सको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ उहाँ, आउने बित्तिकै बिपना भन्ने खालको हुन्छ नि, एउटा हाम्रो यहाँ जसरी सरोज दाईहरूले, राज दाईहरूले या भुवन दाईहरू देख्ने बित्तिकै जुन रियाक्ट गर्नुहुन्छ, त्यस्तै उहाँ चाहिँ प्रपर नेपाली एक्टर भइसक्नु भएको छ। हरेक मान्छेलाई हँसाउने, रमाइलो गर्ने सुटिङमा पनि, र आउने बित्तिकै एकदम होता होइन आफ्नापन, एकदमै आफ्नोपन महसुस हुन्छ उहाँसँग चाहिँ। बीच में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आप थोड़ा पीछे हटो, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं तो अपनापन और प्यार तो आ ही जाता है। इसलिए एकदमै राम्रो लाग्यो, असाध्यै खुसी लाग्यो, यसै गरी हामीले उहाँलाई पनि यति राम्रो रेस्पोन्स दिएछौँ, यति राम्रो रेस्पेक्ट दिएछौँ। उहाँले पनि गएर भन्नुहुन्छ नेपाली फिल्म खेल्नुपर्छ, कहोगेन आप, नेपाली फिल्म गर्ना चाहियो हरेक इन्डियन आर्टिस्ट, सबको गर्नी चाहिए। हाँ सबको, यो चिज हामीले हाम्रो देशको इज्जत, हाम्रो कला क्षेत्रको इज्जत राखेका छौँ, हामीले कुनै पनि कमी कमजोरी, कुनै पनि चाहे कलाकार हो चाहे निर्माता पक्ष कसैले पनि चाहे डाइरेक्सन, उहाँहरूको रेस्पेक्टमा जुन एउटा बाहिरबाट आउनुभएको छ गेस्ट हाम्रो लागि होइन, उहाँहरूलाई कुनै पनि हाम्रो देशको इज्जतमा कमी हुने कुनै पनि काम गरेका छैनौँ, अझै धेरै नै भइरहेछ। नेपाली 60-70% नेपाली समस्ते दिखाता नहीं हूँ, क्या 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 ऐसा होता है, पर समझ जाता हूँ। We have some more plans to go to some other city also at the same time. So as just you that you our friends, I also heard that you and Alvaro sir, you share a very strong friendship. Yes, we have. I just want to hear about it because no, you share as well as questions and all. Thanks for having me. Alvaro, which one is it? Yes, sir. Just share that moment because in film, you know. We were rivals at first, in real life. Was your friendship started with rivalry or something like that? In fact, since I have come to know that Hari is a youngest astrologer of Nepal, so I was amazed, and by his accuracy, by his knowledge, by his studies. So even I also have great faith in astrology. पोजिटिभ भाइब्रेसन हो, हाम्रो भाइब्रेसन म्याच गर्यो, पोजिटिभ भयो सबै कुराहरू, इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ भयो, त्यो पोजिटिभ गर्नलाई आउने म्याटरहरू धेरै थियो होला, कुन कन्टेन्टले हामी पोजिटिभ भयौँ, कसरी पोजिटिभ भयौँ, त्यसमा हाम्रो डिरेक्टर साहबको हात छ होइन, उहाँले इन्ट्रोडक्सन गराइदिनु भयो, उहाँ सुटिङ भइरहेको थियो, त्यो बिचमा म पुगेँ, उहाँसँग भेट गरेँ, भेट गर्दाखेरि राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो, त्यसको एउटा फ्रेन्डसिप डेभलपमेन्ट भयो, र आज हामी यो प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, राम्रो भयो। थ्याङ्क यू। एक्चुअली अभि तक पिक्चर देखिनँ हामी,
कल ही रात को आया, मैंने नहीं देखा अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, जब होएगा तो इंडियंस लोग भी देखेंगे और आई एम श्योर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिक्चर देखने के लिए। जबकि कल से पूछ रही हूँ, मैं कल से आ रही हूँ ना, जब मैं मुझे भी पिक्चर कब दिखाएंगे क्योंकि इतना तारीफ सुन रही हूँ सबका, तो मुझे देखना तो बनेगा। कल देखेंगे समझ में नहीं आया। वन सेकेंड प्लीज। I kidnapped her 18 years ago when she was 25 and I will not tell you my age. एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, अनि अब काम गर्नु पाउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, अनि हामी सेटमा काम गर्ने बेला पनि सबैजना एकदम इजी, साथसाथै उहाँ त बाहिरबाट आउनुभएको तर दे वर भेरी हम्बल, म त झन् बिगिनर हो नि त, मेरो सिनियर उहाँसँग हुँदाखेरि दे वर भेरी कोअपरेटिभ, अनि साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ मलाई कति कुराहरू सिकाइरहनु भएको, यसा गर्न बेटी उसा गर्न बेटी भनेर, द्याट वाज भेरी गुड अफ देम, अनि एकदम खुसी लाग्यो काम गर्नु पाउँदा। यो प्रोजेक्ट मेरो लागि पनि एकदम स्पेसल छ किनभने मैले त एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा धेरै बाहिर बाहिरको मान्छेहरूसँग काम गर्नु पाएँ नि त, त्यही भएर यो मेरो लागि पनि एकदम एक्सपिरियन्स गेन गर्नुको लागि एकदम ठुलो अवसर थियो र यसको लागि म निता दिदीसँग सबै नै कृतज्ञ रहनेछु। हजुर, अभी इसको ले जाके समोसे वमोसे खिलाते हैं तब इसकी आवाज आएगी। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु वेलकम प्रदीप सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सरसँग मेरो माहीमा पनि हामी सँगै काम गरे, चन्द्रपदा हामी सँगै नै माहीमा हामी दाजुभाइ भएर काम गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ र अहिले हामीले यो रस्व दीर्घमा पनि साथमा काम गर्ने मौका पायौँ, उहाँ लगायत अरू पनि कलिउडका या त यो साउथ इन्डियनका चाहिँ हाम्रो कलाकारहरूसँग सँगै काम गर्ने मौका पाएँ, यसले एउटा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा ब्रिज बनाइदिएको छ, त्यो ब्रिजमा हामी ट्राभल गर्न सहज बनाइदिएको छ, सो उहाँ यहाँसम्म आउनु भएको छ भने हामी पनि उताको लागि एउटा चाहिँ एउटा माहौल बनेको छ, जस्तो दीर्घले सिनेमा मात्र होइन एउटा इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा दुईवटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा बनाइदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा जुन किसिमले अहिले मुभी चलिरहेको छ, जुन रेस्पोन्स अडियन्सबाट आइरहेको छ, त्यसमा हामी सबैजना खुसी छौँ र उहाँलाई यहाँसम्म वेलकम गर्न पाउँदाखेरि पनि हामी होल टिम नै एकदमै खुसी छु। वान्स अगेन सर वेलकम। I would like to thank the technicians and the camera people and the anchor people because I don't see any change like it is happening in Nepal or it is happening in Bombay. Yes, same माहौल रहता है, same. उसमें कुछ लोग जो होते हैं थोड़े जो थोड़ा डाइटिंग करते हैं वो थोड़े कम आवाज में बोलते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा खाने वाले हैं मेरे जैसा ज्यादा आवाज में बोलते हैं, बस यही फर्क रहता है। बाकी बम्बई है, दिल्ली है, काठमांडू है, सिनेमा के हिसाब से बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे ही लोग उधर से ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा ही होता रहता है, वो जो बोलने वाला होता है वो बेचारा बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। एकदम वही है, कोई फर्क ही नहीं है, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारे कैमराज हैं, इतने सारे लाइट्स हैं, इतने सारे टैलेंटेड एक्टर जमात है, तो बिल्कुल वही है जी। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आने वाले साल में अगर अच्छी फिल्मों को जनता का प्यार मिलता रहेगा ना, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल अपने आप में बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और आपके पास तो पशुपतिनाथ महाराज हैं, उनका एक इशारा हो गया तो वाह बल्ले बल्ले, बोलो पशुपतिनाथ महाराज की। मैं एक ही हम लोग आ रहे हैं, मैं इतना काबिल तो हूँ नहीं कि आप लोगों को, आजकल यंग क्राउड बहुत होशियार हो गया भाई है ना, तो अब उन क्या बोले उनको, वो लोग खुद ही बहुत होशियार हैं, पर फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारी फिल्म को और बाकी की भी जो बढ़िया फिल्में हैं, घर से निकलिए, माँ बाप को भी लेके जाइए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि होटल जाना है तो हम लोग अपना खाना खाने निकल जाते हैं, माँ बाप को लेके नहीं जाते, तो कम से कम उन्हें अच्छी फिल्में तो दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, क्योंकि उससे क्या हो, एक कल्चर एक बनता है, और सिनेमा वाला तो सिनेमा की ही बात करेगा,
So I'm so happy, thankful. I'm at the same time very, very thankful to all of you gentlemen, all of you ladies.